यार 28 अगस्त का मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार विराट कोहली कैप्टन था, उसका एग्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन ये रोहित शर्मा जो है वो मास्टर प्लेयर है, बहुत अच्छा सीनियर प्लेयर है, उसको पता है किस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन चलाना है। पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है, कौन सी टीम आपको तगड़ी नजर आ रही है? मुझे तो फिलहाल इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इंडिया का अगर देखें तो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बोलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग जो अंदर के मामला हैं वो सेटल हैं या कहीं ना कहीं मसले चल रहे हैं? नहीं, नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टन है। पाकिस्तान ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, इंडिया ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, तो दोनों की टीमें अगर आपने देखी हो तो कौन सी टीम आपको तगड़ी नजर आ रही है इस पर देखा जाए? अगर देखा जाए तो फिर इंडिया की ज्यादातर नजर आ। जय हिंद दोस्तों, क्रिक वारबी यूट्यूब चैनल अपना स्वागत। पौरतम एशिया कप प्रतियोगिता के T20 विश्वकप प्रस्तुति हिसाब से देखें प्रत्येक एशियन क्रिकेट दल। एबारे एशिया कपे भारत पाकिस्तान मुखोमुखी हो 28 अगस्त। ये मैच नहीं सोशल मीडिया नाना रकम समालोचना देखते पा जा। दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोन्टिंग जानबार एशिया कप भारत जितने तई पाकिस्तान मीडिया खूब क्षुब्ध। बंधुरा रोहित शर्मार कैप्टनशिप नहीं की आलोचना चलते पाकिस्तानी मीडिया तक देखे ना जाए। अपनी जदि एक क्रिकेट प्रेमी थकें तो भिडियोटी की लाइक कर आरो ए धरनेर वीडियो पेते आमादे चैनल टीके सब्सक्राइब करूं। यार 28 अगस्त का मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछली बार विराट कोहली कैप्टन था, उसका एग्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना। लेकिन ये रोहित शर्मा जो है वो मास्टर प्लेयर है, बहुत अच्छा सीनियर प्लेयर है, उसको पता है किस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन चलाना है। तसल्ली से लेके चलते, बिल्कुल वो कूल माइंडेड है, वो तसल्ली से लेके चलता है। और दूसरा ये कि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इनके पास जो सारे स्पिनर्स भी अच्छे चल रहे हैं, जैसे अश्विन भी है टीम में, जादेजा टीम में है, और हार्दिक पांड्या की भी अच्छी फॉर्म चल रही है आजकल, ठीक है। और दूसरा केएल राहुल भी टीम में वापस आएगा, क्योंकि उनको लाना पड़ेगा, वो एक अच्छा प्लेयर है, वो उसको ऐसे ही लूज़ नहीं करेंगे। ऊपर से नए नए और भी यंगस्टर आ रहे हैं, जैसे सिराज है, और ये वो फास्ट बॉलर भी इनके पास अच्छे हैं। अगर वो क्या नाम है बुमराह नहीं है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 3-4 ऐसे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, और इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। बात ये मिडिल ऑर्डर इनके बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरा बिलोंग करता है बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस पर। अगर ऊपर से वो खेल के देते हैं तो नीचे मिडिल ऑर्डर चलता है, वरना वो भी फिर फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी तक हमारा मिडिल ऑर्डर इस तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है बड़े मैच में। ये मेरा भी इस पर यही ओपिनियन है कि हमारा मिडिल ऑर्डर इतने बड़े मैच में टेस्ट नहीं हुआ। आसिफ अली पे आए हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप में, वो थोड़े बहुत अपने उम्मीदों पे 2 मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के खिलाफ पूरा उतरे हैं, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर का बड़ा इम्तिहान होगा। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर का बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि एक दो मैच में ऐसा हुआ कि आसिफ अली ने खेल के दिया, और दूसरा ये कि शोएब मलिक आए थे जब मिडिल ऑर्डर पे, तो वो अच्छा खेल के दे रहे थे, वरना ऊपर से ही रिजवान और बाबर आजम अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। अगर वो नहीं चलते थे तो फखर जमान भी एक मैच में खेल के दे देते थे। उम्मीद है इस बार मुकाबला टफ होगा, अगर हम वन साइडेड ना जीतें तो आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, और थोड़ा सा अगर मैच फंसेगा और हम जीतेंगे और मज़ा आएगा। बिल्कुल, मैच इस बार टफ होगा, तो होगा बिल्कुल। इंडिया टीम को हल्का नहीं ले सकते, वो भी बहुत अच्छी टीम है। पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो चुकी है, कौन सी टीम आपको तगड़ी नजर आ रही है? मुझे तो फिलहाल इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि उनके ये मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, चौथे बंदे हो आज, चौथा बंदा ये कह रहा है उनकी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही, कैसे उनकी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही? क्योंकि उनकी ये जो बैटिंग लाइन है ना, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें केएल राहुल भी वापस आ गया, विराट कोहली भी है, और रोहित शर्मा भी है। क्योंकि रोहित शर्मा की बात करते हैं, पिछले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया, इस बार आपको लगता है कि वो फुल तैयारी के साथ आएगा और मुसीबत डाल सकता है? अब दरअसल देखें, पाकिस्तान का जो बॉलर है फास्टर शहनशाह अफरीदी, वो थोड़ा सा इंजरी का शिकार हुआ हुआ है यहाँ से, तो वो ज़रा फिर अगर अच्छे गेंद डाल गया तो फिर रोहित शर्मा को आउट कर देगा पिछली की तरह। इसके अलावा ऐसा कौन सा प्लेयर आपको लगता है जो मुसीबत दे सकता है? उसके अलावा ये कोहली है, कोहली इंडिया का, वो अगर चल गया तो चलता ही, पाकिस्तान के खिलाफ लाजमी है, पिछले मैच में भी 57 मार गया। पिछले वो सूर्य कुमार यादव है, वो देखें आ रहा है रैंकिंग में आगे, बाबर आजम को ज़रा टकरा रहा है वो थोड़ा सा, तो वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है प्लेयर, वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बॉलिंग में बुमराह नहीं है, लेकिन 4 स्पिनर उनके बड़े खतरनाक आगे हुए हैं, तो बॉलिंग में खतरा हो सकता है? बॉलिंग में भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अब अगर हमारी पाकिस्तान की टीम में से बाबर आजम या रिजवान रन्स करेंगे तो फिर। अगर आपने इतने सारे प्लेयर गिनवा दिए, मुझे ये बताएं पाकिस्तान को मैच जीतना तो क्या करना पड़ेगा? पाकिस्तान को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे वो ऊपर से बैटिंग लाइन जो है ना उनकी स्ट्रॉन्ग, वो तोड़नी पड़ेगी। रिजवान बाबर के अलावा कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिससे उम्मीद रख सकते हैं? मैं तो फिलहाल बाबर आजम और रिजवान। जो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली उस दिन चले गए तो क्या होगा?
तो फिर टारगेट ज्यादा हो जाएगा फिर बॉलरों के लिए। फिर होप्स 28 ओवर का मैच यानी पाकिस्तान जीत रहा। अब देखें इंडिया स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, अब तगड़ा मैच होगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे आप क्या कहेंगे? लास्ट टाइम तो विराट कोहली थे, उस टाइम भी इतनी कॉम्बिनेशन सही नहीं थी, जो है ना ड्रेसिंग रूम में कुछ मसले मसाले उनके चल रहे थे। इस बार क्या लगता है कि जो अंदर के मामलात हैं वो सेटल हैं या कहीं ना कहीं मसले चल रहे हैं? नहीं, नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टन है और इसकी लास्ट जो कैप्टनसी आप रिकॉर्ड देखें सारी T20 सीरीज जिसका हुआ है, अभी लास्ट उसने वेस्ट इंडीज़ में भी 4-1 से बढ़तरी हासिल की है। लेकिन देखें अब क्या होता है, एक टफ मुकाबला होगा क्योंकि दोनों टीमें बहुत मजबूत है और जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलता है आवाम को। रिकी पॉन्टिंग ने तो बोल दिया इंडिया जीतेगा, वो तो इन्होंने पिछली बार भी कहा था और पाकिस्तान ही जीता था, लेकिन इस बार भी इंशाल्लाह यही है कि इसका फैसला गलत साबित होगा। कंपैरिजन अगर हम करें ओपनिंग जोड़ी की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ओपनिंग किसकी स्ट्रॉन्ग? ओपनिंग इंडिया की स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट हमें कहना पड़ेगा रोहित शर्मा। तो आपको नहीं लगता कि वो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओपनिंग आए? इससे पहले रोहित शर्मा और ऋषभ पंत है मेरे ख्याल में, और अब केएल राहुल भी स्क्वाड का हिस्सा है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि यंग प्लेयर हैं और सीनियर खिलाड़ी हैं और हर मैच पर परफॉर्म करते हुए आए। हमने लास्ट सीरीज़ देखी, इंग्लैंड में इनकी सीरीज़ हुई, अफ्रीका के साथ सीरीज़ हुई, इनमें परफॉर्म किया इंडिया ने, तो देखें होप फॉर द बेस्ट क्या होता है। अब केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ कैप्टनसी भी कर रहे हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो जगह उनकी पक्की हो जाएगी? बिल्कुल, ये अगर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो ये ओपनिंग अपनी बरकरार रखेंगे। बुमराह नहीं खेल रहे, कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा उनको। बुमराह के अलावा क्या लगता है उनके यहाँ कोई ऐसा बॉलर है जो उनकी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग बनाए? बनवेश्वर कुमार का एक देख रहे हैं हम लोग, बनवेश्वर कुमार की बहुत स्विंग बॉल होती है और वो खासतौर पर पावर प्ले ओवर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा बैड साइड साबित होगा। बुमराह नहीं है, अच्छी बात है, पाकिस्तान को थोड़ा कम वो फेस करना पड़ेगा, लेकिन बनवेश्वर कुमार बेस्ट है। मिडल ऑर्डर की अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उनके मिडल ऑर्डर में सीनियर प्लेयर जडेजा है और दिनेश कार्तिक भी की भी वापसी हुई है, हार्दिक पांड्या है, पाकिस्तान में आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की बात करें तो एवरेज है, पूरा भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वर्ल्ड कप में जिस तरह परफॉर्मेंस रही है बहुत आला रही है, लेकिन वही बात है कि इन्होंने सीनियर खिलाड़ी को ऐड नहीं किया हुआ, शोएब मलिक को। शोएब मलिक को मिस करेंगे हम सारी आवाम मिस करेगी क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है, उसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन दोनों कंपैरिजन देखा जाए तो एवरेज है दोनों का। पाकिस्तान ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, इंडिया ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है, तो दोनों की टीमें अगर आपने देखी हो तो कौन सी टीम आपको तगड़ी नज़र आ रही है इस पर देखा जाए? अगर देखा जाए तो फिर इंडिया की ज़्यादातर नज़र आ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने दो खिलाड़ी ड्रॉप किए हैं, मलिक हो गया, हसन अली हो गया, ज़्यादातर बेशक ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं हमारे सीनियर, इनसे हम कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी इस चीज़ का बहुत चीज़ देखा है। अगर हम इंडिया का स्कोर देखें तो सारी उन्होंने जो पुराने उनके बड़े नाम है सबको वापस लेकर आ गए, सारे अच्छे प्लेयर उनकी टीम में बैटिंग में नज़र आ रहे हैं, उनका बुमराह इस वक्त नहीं है टीम के अंदर, लेकिन फिर भी प्लेयर्स उनकी, आपने सही बात की, बैटिंग लाइन में बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हाँ, उनका यही होता है कि अगर वो आम टूवर खेलें तो उनका वो होता है नए खिलाड़ियों को चांस देते हैं, जब वर्ल्ड कप वगैरह आ जाए वो सारे अपने टोटल अपने पुराने खिलाड़ियों को चांस देते हैं, ये चीज़ हमने भी बहुत ज़्यादा उनकी नोट किया। बुमराह बेशक नहीं है पर उनकी बॉलिंग बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा, उनका ऋषभ पंत हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैट। एक बात ये भी है, पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ तीन आपको नाम पता है, रिजवान, बाबर आजम और शाहीन, ये चल रहे हैं, अगर ये उस दिन ना चले तो क्या आप समझते क्या हो? ये ना चले तो फिर बहुत ज़्यादा ही मसला होगा, काटा ही होगा और तो कुछ नहीं होगा, यही चीज़ होगा। इंडिया का अगर देखें तो बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग ये ज़रा वीक है, क्योंकि इनका एक मेन बॉलर है बुमराह वो इंजर्ड हो गया, तो काफ़ी टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि वो जो 4 ओवर्स का स्पेल वो करता है वो बहुत सख्त होता है, उसकी हार्ड लेंथ पर वो बॉल करता है, तो वो बॉलिंग लाइनअप इंडिया की ज़रा वीक है पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू, लेकिन बैटिंग दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग।